नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल टीचर जॉब सुनील में दोबारा आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, दोबारा से मैं आपके सामने कुछ लेटेस्ट टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी लेकर के आया हूँ। और ये जो वैकेंसी आई हुई है गवर्नमेंट स्कूल से आई हुई है दोस्तों, तो इस वैकेंसीज के डिटेल्स देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट प्राइवेट गवर्नमेंट हर एक छोटी बड़ी टीचिंग वैकेंसी के अपडेट रोजाना सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जिनको इस तरह की जॉब की रिक्वायरमेंट है या जो बीएड कर चुके हैं। तो चलिए इस वैकेंसीज के डिटेल्स हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो वैकेंसी है प्रिंसिपल की वैकेंसी है, टेम्प्रोरी अगेंस्ट द लीव वैकेंसी लाइकली टू बी परमानेंट, जिसमें मास्टर डिग्री आपका कंसर्न सब्जेक्ट 45% विथ बीएड होनी चाहिए और एक्सपीरियंस आपका मांगा जाता है। यहाँ पे देख लें, प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट या फिर ऑटोमेनस ऑर्गेनाइजेशन में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है जो TGT के लिए। इसके अलावा PGT बायोलॉजी की वैकेंसी है, जिसमें मास्टर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट विथ BEd आपका मांगा गया है। सैलरी लेवल 8 आपको दी जाएगी। इसके अलावा PGT में यहाँ पे जो है सोशोलॉजी की एक पोस्ट, उर्दू की एक, PGT पारसियन की एक, PGT इस्लामिक स्टडी एक, PGT होम साइंस की एक, मास्टर डिग्री 50% कंसर्न सब्जेक्ट विथ BEd, उर्दू अगर रीड राइट है तो आपको डिजायरेबल है दोस्तों। TGT केमिस्ट्री की वैकेंसी है, जिसमें सैलरी लेवल 1 आपको दी जाएगी। बैचलर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट विथ BEd आपका होनी चाहिए और CTET या फिर TET पास होना चाहिए दोस्तों। TGT सोशल वर्कर, जिसमें मास्टर डिग्री सोशल वर्क 50% मार्क्स हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें BEd की आवश्यकता नहीं है, डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग है या फिर जो है आपका वर्क एक्सपीरियंस NGO का है तो अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स की एक पोस्ट है TGT के लिए, बैचलर डिग्री मैथ से 50% विथ BEd। TGT इस्लामियत की एक वैकेंसी है, जिसमें BA ऑनर्स, इस्लामिक स्टडी और MA अगर है और BEd तो अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन की दो पोस्ट है, एक मेल एक फीमेल के लिए, जिसमें BPed या फिर MPed है तो अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स मांगा गया है। इसके अलावा जो है हेड मास्टर की वैकेंसी है इनके नेक्स्ट स्कूल के लिए, जिसमें मास्टर डिग्री विथ BEd और रिलेवेंट एक्सपीरियंस 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों। TGT कंप्यूटर की वैकेंसी एक है, जिसमें आपका बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस से है तो अप्लाई कर सकते हैं। TGT ड्राइंग की एक वैकेंसी है, BFA 50% मार्क्स अप्लाई कर सकते हैं। TGT ड्राइंग एंड पेंटिंग BFA वाले अप्लाई कर सकते हैं। TGT होम साइंस की वैकेंसी है, बैचलर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट विथ BEd मांगा गया है। TGT इस्लामियत एक वैकेंसी है, जिसमें बैचलर डिग्री विथ BEd मांगा गया है। TGT उर्दू, TGT योगा की वैकेंसी है, जिसमें आपका यूनिवर्सिटी डिग्री विथ रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन या BPed है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा TGT मैथमेटिक्स की दो पोस्ट है, जिसमें वन पोस्ट रिजर्व OH के लिए है, जिसमें बैचलर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट विथ BEd मांगा गया है। फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है, बैचलर डिग्री। सोशल वर्कर की वैकेंसी है, बैचलर डिग्री सोशल वर्क और साइकोलॉजी विथ 50% मार्क्स। प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, जिसमें CTET पेपर 1 पास मांगा गया है। सीनियर सेकेंडरी आपका 50% विथ BEd या DLED है तो अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको पढ़ाने की एबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा नर्सरी टीचर की आवश्यकता है, NTT ट्रेंड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी आपको लेवल 6 दी जाएगी। BEd वाले भी नर्सरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइमरी टीचर एक फीमेल, नर्सरी टीचर एक, क्राफ्ट टीचर, एडल्ट एडुकेशन टीचर की वैकेंसी है। अब इसका इंस्ट्रक्शन क्या है देख लें। CTET इज़ मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट ऑफ जामिया स्कूल वेर एवर इज अप्लीकेबल। सेलेक्शन अगेंस्ट टेम्प्रोरी पोस्ट के लिए होगा। वैकेंसी शैल नॉट बी कन्फर्म ऑन द अपॉइंटी एनी राइट ऑफ परमानेंट अपॉइंटमेंट और रेगुलाइजेशन, यानी आपको टेम्प्रोरी बेसिस पे रखा जाएगा दोस्तों, इस आप परमानेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी इज़ डिजायरेबल है बट मैंडेटरी नहीं है। आप नहीं भी उर्दू जानते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको SC ST एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको छूट दी जाएगी। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसका जो लास्ट डेट है वो 6/7/2022 है, उस डेट तक आपका क्वालिफिकेशन जो भी मांगा गया है वो पूरी होनी चाहिए दोस्तों। इसमें आपको फ़ी जो है 500 रुपये का लगेगा जनरल OBC के लिए और 250 SC ST के लिए। ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग ओनली आप कर सकते हैं।
या फिर देख सकते हैं सबमिट इन द ऑफिस ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन सेक्शन टीचिंग टू सेकेंड फ्लोर रजिस्ट्रार ऑफिस गेट नंबर 50 जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया नगर नई दिल्ली 11025 6/7/2022। ओमेन कैंडिडेट और दिव्यांग कैंडिडेट ऑन इनक्लोजर द वैलिड कॉपी और रिलेवेंट PWD सर्टिफिकेट। और जो अकाउंट नंबर दिया गया है यहाँ पे देख लें, इसी अकाउंट पे आपको पेमेंट करना है। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है दोस्तों, वन बाय वन सारे पॉइंट को, उसके बाद इसको फिल करना है। तो ये जो वैकेंसी कहाँ से आई हुई वो मैं बता दे रहा हूँ। ये जो वैकेंसी आई हुई है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से आई हुई है, और डिफरेंट डिफरेंट इनके स्कूल हैं वहाँ से ये वैकेंसी है दोस्तों। लास्ट डेट देख सकते हैं 6/7/2022, 10 से 5 के बीच में। लंच ब्रेक जो है 1 से 2 और फ्राइडे को 12 से 2 के बीच में होता है, उस दौरान नहीं जाएंगे। उसके अलावा आप जा करके जो है एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो अच्छी वैकेंसी है, इनका वेरियस स्कूल है, बहुत सारी स्कूल है, यहाँ पे देख लें। पहला जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सेकेंड जो है जामिया मिडिल स्कूल है, इसी तरह से इनका ढेर सारा स्कूल है दोस्तों। आप किसी भी स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट आप जो है PDF डाउनलोड करें, डिटेल लेने के बाद इसे फिल कर सकते हैं। तो अच्छी वैकेंसी है, फिल करिए। कोई डाउट होता है तो आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।